आफ्टरनून, माय नेम इज़ जीना। मैं एक रोड एक्सीडेंट की शिकार हो गई थी और मेरा पैर फुसला गया था बिल्कुल। तो मुझको मित्तल सर ने ट्रीट किया और आज मैं बहुत बेटर फील करती हूँ। जैन सर ने मेरे ऑपरेशन किए, मिस्टर तरुण जैन सर ने और मिस्टर परवीन मित्तल सर ने, और एक सर है जिनका नाम गौरव गोयल है। तो सब बहुत अच्छे डॉक्टर है। जब भी मेरा हौसला टूटा तो सबने मुझे बहुत हौसला दिया और इस वजह से मैं आज यहाँ पे सबके सामने हूँ। और वरना मैंने चलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी और सबने मुझे निगेटिव पॉइंट दिए कि तू कभी चल नहीं पाएगी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल हड्डी चूर चूर हो गई और मांस भी निकल गया। तो मैंने बिल्कुल हिम्मत तोड़ी नहीं। पर जब भी मेरा हौसला टूटा तो जैन सर ने, परवीन मित्तल सर ने, गौरव सर ने और फैमिली की तरह ट्रीट किया और इस वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। सर बहुत अच्छे हैं, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं एक अलग जगह हूँ। हमेशा ऐसे ही लगा इस हॉस्पिटल में आके, सिनर्जी हॉस्पिटल में, जैसे कि मैं अपनी फैमिली के बीच में बैठी हूँ। और यहाँ की नर्सिंग स्टाफ बहुत वेल मैनर्ड है और वेल एजुकेटेड है। सबका अच्छा लगा, खाना पीना सब अच्छा था और डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल फैमिली की तरह रहे। नर्सेस सारी मदर्स की तरह रही मेरे साथ और मैं बहुत ही बेटर फील करती हूँ। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, वरना सब बोलते हैं कि हॉस्पिटल में तो किसी को ना जाना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है। पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल फैमिली की तरह रहे और बिल्कुल घर की तरह रही मैं यहाँ पे। और मैं सबका बहुत 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 थैंक यू बोलूँगी सबको, मिस्टर तरुण जैन सर को, मिस्टर मित्तल सर को, गौरव सर को और सभी नर्सिंग स्टाफ को। जीडी स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल बहुत मैनर्स के साथ ट्रीट करता है सबको। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके सिनर्जी में। थैंक यू।